जय हिंद प्यारे साथियों, अग्निवीर फ्री अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। दोस्त, आप सबकी फिजिकल की अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। साथियों, आज हम जैसे आपसे वादा किए थे कि भर्ती रिव्यू दिखाऊंगा, साथियों हमारे साथ ऐसे बंदा खड़ा है जिनकी थोड़ी सी गलती की वजह से फिजिकल से कहीं ना कहीं बाहर हुए। लेकिन आप सब भी ये गलती ना करना, अगर आपको फिजिकल की अकेडमी ओपन करनी है। 1 जुलाई से न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, वो भी गारंटी के साथ। कहीं भी बैठ जाना, वहाँ से झंडे गाड़ दोगे। दोस्त, आपका शुभ नाम क्या है? धनंजय पांडे। धनंजय, आप कहाँ से थे? प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से हो? तो यार, मैं तो प्रतापगढ़ में अकेडमी भी चला रहा हूँ, क्यों आए नहीं? सर, मुझे पता नहीं था। पता ही नहीं था? आप लोग इधर भी आ जाओ यार, क्या दिक्कत है? आओ आओ सर, आ जाओ। लास्ट टाइम भर्ती के टाइम पे आपका देखा था, वो नंबर आया था कि आप संपर्क करिए, लेकिन लास्ट टाइम हो नहीं पाया था संपर्क। लास्ट टाइम में आपने, लास्ट में मुझे सारा सब कुछ खो चुके थे तब मुझे फॉलो किए। यस सर। तो आपकी टाइमिंग होम ग्राउंड क्या थी? 5:30 थी सर। 5:30 थी? तो नंगे पैर 5:30 थी? नहीं नहीं, जूते से ही 5:30 थी। जूते में 5:30 थी? इधर क्या क्या दिक्कत हुई जो आप रेस नहीं मार पाए? यार 5:30 तो अच्छी टाइम। यहाँ पे बराबर किए थे, जहाँ पे पानी वानी आ गया था उसी वजह से वहाँ पे जूता फिसल रहा था। साथियों, मैं तो कहता हूँ सूज में, यार भर्ती में क्या है ना, सूज में रनिंग ना किया करो। अब बताओगे सर जी स्पोर्ट वाले कैसे करते हैं? देखो, जो स्पोर्ट के बच्चे होते हैं ना, वो जब स्टेडियम में रनिंग करते हैं, कंपटीशन खेलते हैं, उन पे ना गिन के बच्चे छोड़े जाते हैं। एक अपने लाइन पे चलते हैं बच्चे, एक साइड से चलते हैं, अपनी पट्टी पे चलते हैं। भर्ती में क्या है, कोई इधर भाग रहा, कोई दाहिने बाएं, खेदी खेदुआ गिरते रहते हैं बच्चे, इसीलिए पैर फंस जाते हैं सूज में, इसीलिए दिक्कत होती है। इसलिए मैं कहता हूँ सूज में रनिंग ना करो। ग्राउंड बहुत अच्छा है, एकदम एक नंबर ग्राउंड है। ग्राउंड ज़्यादा टफ भी नहीं है, पानी बारिश हो चुकी है, हर जगह पे नहीं है टफ, नहीं कहीं पे बराबर की है, वहीं पे दिक्कत है। और भी जो बच्चे आएंगे उनको क्या बोलोगे कि सूज में रनिंग करें कि ना करें? नंगे पैर करें सही रहेगा। कांटे उठे तो नहीं है ग्राउंड? नहीं, कांटे तो नहीं है, कांटे नहीं, एकदम चिकना ग्राउंड। ग्राउंड कितने मीटर का है? ग्राउंड तो ये 400 मीटर का ही, चार चक्कर लगाने हैं। चार चक्कर लगाने हैं बस। और भी कोई जानकारी, जैसे डॉक्यूमेंट क्या क्या ले रहे हैं? डॉक्यूमेंट सिर्फ एडमिट कार्ड लेंगे, उसके बाद रेस के बाद सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। रेस के बाद सारे डॉक्यूमेंट लग रहे हैं? सिर्फ एडमिट कार्ड, शुरुआत में आपके एडमिट कार्ड। इसके बाद साथ आपको 2 बजे एंट्री किए थे, 2:30 बजे? हाँ, 2:30 बजे ला के इधर क्या क्या डॉक्यूमेंट तो बता दी। क्या हाइट पहले ले रहे हैं कि नहीं? नहीं, सिर्फ हाइट नहीं ले रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही एडमिट कार्ड लेंगे, उसके बाद रेस होगी। फिंगर उंगर लग रहे हैं कि नहीं? नहीं, फिंगर नहीं लग रहा है, सिर्फ एडमिट कार्ड भरना है। सिर्फ ओनली एडमिट कार्ड ही देख रहे हैं, फिंगर उंगर कुछ भी नहीं लग रहे हैं पहले? जी नहीं लग रहे हैं। अब जो होगा रेस के बाद होगा, जैसे जो भी बच्चे आएंगे साथियों रेस के बाद आएंगे, जो बच्चे क्वालिफाई हो चुके हैं रेस, हम उनसे जानकारी लें क्या उनके आधार कार्ड का मैटर क्या, OTP एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है, जिससे आप सब काफ़ी ठीक ठाक कोर्स भी खरीदे हो। इधर तो मुझे मैसेज आया कि एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं होगा मीठियारों में, लेकिन आप सब ने ठीक ठाक कोर्स भी खरीदे हो। चलो ठीक है, पढ़ते रहो यार, पढ़ाई कोई ख़राब नहीं जाती, आप सब ने खरीदा है तो अच्छी बात है। लेकिन साथियों, जैसे कोई भी रनिंग के बाद अब कोई अपडेट आएगा, क्या डॉक्यूमेंट क्या सब कुछ प्रक्रिया आप सबको बताया जाएगा। लेकिन आप सब भूल के ये गलती ना करें। आपको अगर रनिंग अच्छे से जब कर रहे हो तो नंगे पैर भागो यार, नंगे पैर भागो। बच्चे की क्या थी, 5:30 टाइमिंग थी, लेकिन जूते में भाग के उन्होंने ख़राब कर ली। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा आप नंगे पैर भागो भर्ती में। नंगे पैर भागने से आपको बहुत सारे फ़ायदे रहेंगे, आपके पैर हल्के चलेंगे, आपके जूते पैर फंसेंगे नहीं भीड़ में, नहीं बच्चा दौड़ रनिंग कर रहा है पैर पे चढ़ जाते हैं, दिक्कत होगी। पूरी टाइमिंग दे रहे हैं, 5:45 टाइमिंग दे रहे हैं, 5:45 टाइमिंग भी मिल रही है, पूरी टाइमिंग मिली है 5:45 में। जितने भी बच्चे घुस रहे हैं सारे के सारे बच्चे पकड़े जा रहे हैं। जब आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो तो दिक्कत, गलती किसकी है? उनकी नहीं, आपकी गलती है दोस्तों। तो पूरी टाइमिंग मिल रही है उधर से, लेकिन आप उस काबिल नहीं हो, उस टाइम नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, और भी कितने बच्चे पकड़े थे यार? पहले बैच में 55 पकड़े थे, दूसरे में 45। पहले बैच में प्यारे लाडले 55 बच्चे पकड़े थे, दूसरे बैच में 45। एक्सीलेंट में कितने पकड़े थे? एक्सीलेंट में 25 बच्चे थे, कम से कम 25 से 20 से 25 थे, 20 से 25 एक्सीलेंट में। गुड में जब बाकी सभी गुड, 30 भी हो सकते हैं। चलो ठीक है, अभी आपकी एज है? नहीं, मेरा लास्ट लास्ट था यार। अरे यार, मैं तो प्रतापगढ़ कहाँ से हो आप? लालगंज से। लालगंज से हो यार, आपको आना था यार ATL में। मैं फिजिकल की अकेडमी भी चलाता हूँ, बच्चे हॉस्टल से लिया था सर नंबर लगाने के लिए, उसमें पहले दिन नहीं लगा था, उसके बाद फिर लगा ही नहीं जी। तो आना था यार,
अभी बच्चे जो भी आए थे, कोई एक बच्चा थोड़ा ग्राउंड का था, पता नहीं बताया कि गिर गया, लेकिन और भी बच्चे आए थे, उन्होंने रेस क्लियर की है। सो अब जब वो रेस क्लियर किए, जब आएंगे बाहर, तो उनसे ए टू जेड जानकारी देंगे। ठीक है साथियों, चैनल पे नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।